मां कभी अपने बच्चों का कष्ट नहीं देख सकती। कह दिया, आज्ञा दे दी कि प्रभु आप पी जाओ इस जहर को। और भगवान ने पूछा भी क्यों, बिना पूछे भी पी सकते थे, क्यों पूछा? क्योंकि भगवान शिव जानते हैं कि यदि शक्ति की आज्ञा होगी तो जहर पीने के बाद भी मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता, पहले मैं शक्ति से पूछूंगा। शक्ति का स्वरूप है मां भवानी। आज्ञा दे दी है भगवान शिव ने तुरंत कि ततः करतली कृत्यम व्यापी हालाहलम विषम अभयक्षम महादेव कृपया भूत भावन। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम। भगवान शिव ने अंजलि में उस जहर को लिया है और भगवान शिव पान कर गए हैं, पी गए हैं जहर को। लेकिन जब भगवान शिव ने जहर पिया और जैसे ही वो जहर कंठ से नीचे उतरने ही वाला था, उसी समय भगवान शिव को याद आई कि ये मैंने क्या कर दिया। अरे मेरे हृदय में तो मेरे प्रभु राम बैठे हैं, श्याम बैठे हैं, यदि ये जहर मेरे हृदय में अंदर जाएगा तो मेरे प्रभु को कितना कष्ट होगा, ये मैंने क्या कर दिया। और यदि मैं इस जहर को बाहर निकालूंगा तो संसार के जीवों को कष्ट होगा। तो भगवान शिव ने ऐसी कृपा की कि न तो उस जहर को बाहर निकाला, न उसे अंदर लेकर गए, भगवान ने उस जहर को अपने कंठ में ही धारण किया है। तो उस दिन से बंधुओं, भगवान शिव का सारा अंग तो गौर वर्ण का है, लेकिन उस दिन से भगवान शिव नीलकंठ बन गए हैं। बोलो नीलकंठ महादेव की जय, शंकर भगवान की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ऐसा अद्भुत ये चरित्र भगवान शिव का है। उस जहर का पान किया, अब देवता दैत्य पुनः मंथन में जुट गए हैं। अब की बार जब मंथन हुआ बंधुओं, तो उस मंथन से बड़ा सुंदर कामधनु गौ निकली है। ये कामधनु गौ सप्तऋषियों को दे दी गई है। फिर मंथन हुआ तो अब की बार उस मंथन से ऐरावत हाथी निकला, ये इंद्र को दे दिया गया। उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, ये दैत्यों के राजा बलि को दे दिया गया है। उसी मंथन से बहुत सुंदर कौस्तुभ मणि निकली है, ये कौस्तुभ मणि देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर भगवान नारायण को भेंट की कि प्रभु ये मणि आप स्वीकार करिए। पुनः जब जोर से मंथन हुआ तो अब की बार उस मंथन से सुखदेव जी कहते हैं कि ततश्चा विरभूत साक्षात श्री रमा भगवत पराह रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। अब की बार जब पुनः मंथन हुआ है तो अब उस मंथन से साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई हैं। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, श्री रमा भगवत पराह। साक्षात रमा लक्ष्मी प्रकट हो गई हैं। अब देखो लक्ष्मी जी को देवताओं ने भी देखा, दैत्यों ने भी देखा, और लक्ष्मी को देखकर सबने मंथन छोड़ दिया। सब बोलने लगे कि लक्ष्मी को मैं लूंगा, लक्ष्मी को मैं लूंगा, क्योंकि लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता। सब आपस में झगड़ा करने लगे, लक्ष्मी को मैं लूंगा मैं लूंगा। अब भगवान बोले कि देखो लक्ष्मी एक है, सबको थोड़ी ना मिलेंगे, तुम लोग सब झगड़ा कर रहे हो। देखो ऐसा करो कि लक्ष्मी जी से ही पूछो वो किसको अपनाएंगे। हम लोग स्वयंवर करते हैं, लक्ष्मी के हाथ में एक माला दे दी गई और लक्ष्मी को कहा कि हे देवी आप जिसको चाहो उसको वरण करो अपनी इच्छा से। अब तो सब देवता सब दैत्य लाइन में खड़े हो गए हैं और लक्ष्मी जी का स्वयंवर हो रहा है, स्वयं अपना पति चुनेंगी। जब लक्ष्मी जी लाइन में आगे बढ़ी हैं वरण करने के लिए, जब चली तो सबसे पहले उस लाइन में कौन खड़ा है, ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी भी लक्ष्मी को चाहते। लक्ष्मी ने देखा, अच्छा ये ब्रह्मा जी मेरे से शादी करने आए हैं। लेकिन लंबी चौड़ी सफेद दाढ़ी है ब्रह्मा की, सफेद बाल हैं। लक्ष्मी बोली कि इनके गले में तो बिल्कुल माला नहीं डालूंगी। क्यों?
बोले यदि इनसे शादी हो गई, इनके गले में माला डाल दी, तो शादी होते ही मैं भी दादी बन जाऊंगी। प्रेम से कहो श्री राधे। ये बूढ़े ब्रह्मा छोड़ दिया लक्ष्मी ने, आगे बढ़ गई। आगे चली तो उस लाइन में भगवान शिव भी खड़े हैं। देखो लक्ष्मी जी बोली, अच्छा ये भी मेरे से शादी करने आए हैं। एक बेचारी पार्वती तो पीछे बैठी बैठी रो रही है, उसके लिए तो कभी कोई महल भी नहीं बनवाया, हिमालय की गुफाओं में ही लिए फिरते हैं, और मेरे से शादी करने आ गए। इनसे भी विवाह नहीं करूंगी, छोड़ दिया। आगे उस लाइन में इंद्र खड़े। इंद्र को देखकर लक्ष्मी रुकी कि हाँ ये आगे स्वर्ग का राजा बनने वाला है, क्यों ना इससे शादी कर लूं, इसके गले में माला डाल दूं। परंतु नहीं नहीं, इस इंद्र के शरीर में 1000 आंखें हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। इंद्र के अंग में 1000 आंखें हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं तो रोज घर घर जाया करूंगी, लक्ष्मी का तो काम है घर घर जाना, तो ये इंद्र मुझे अपनी हजारों आंखों से देख लिया करेगा और रोज झगड़ा करेगा, आज तू फलाने के घर गई, आज तू उसके घर गई, तो इससे भी शादी नहीं करूंगी, छोड़ दिया। अब आगे बढ़ी तो उस लाइन में दैत्यों के राजा बलि भी खड़े। लक्ष्मी ने कहा कि ये इस समय स्वर्ग का राजा है, क्यों ना इसके गले में माला डाल दूं। परंतु नहीं नहीं, पहली बात तो ये दैत्य है, और दूसरा ये तमोगुणी वृत्ति वाला है, ये शराब भी पीता है, इसकी तमोगुणी वृत्ति है, और जिसके अंदर तमोगुण है, जो तमोगुणी वृत्ति वाला है बंधुओं, उसके यहां कभी लक्ष्मी हमेशा के लिए नहीं टिकेगी, एक ना एक दिन उसे छोड़ देगी। लोग कहते हैं कि महाराज जो बहुत शराब पीते हैं उनके पास तो खूब लक्ष्मी होती है। देखो बंधुओं, शराबियों के घर में लक्ष्मी मिलेगी, लेकिन उस घर में लक्ष्मी सुख देगी पर शांति कभी नहीं देगी, याद रखना, आप खुद देख लेना। ठीक है, सुख तो आ जाएगा पैसे से, लेकिन शांति किसी को नहीं मिलेगी। लक्ष्मी वहीं प्रसन्न रहती हैं, वहीं पर लक्ष्मी सुख और शांति दोनों प्रदान करती है, जहां पर जिस घर में रहने वाले लोग सात्विकी हैं, जिनके अंदर सद्गुण हैं, वहीं लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। तो राजा बलि को भी छोड़ दिया। आगे उस लाइन में खड़े हैं दुर्वासा ऋषि। मैंने बताया ना बड़े क्रोधी ब्राह्मण हैं। लक्ष्मी ने जब दुर्वासा जी को देखा, लक्ष्मी बोली कि बाप रे बाप, इनसे तो भगवान बचाए, इनसे तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। यदि इनके गले में माला डाल दी, शादी हो गई, और कहीं किसी दिन इनकी सेवा में कोई गलती हो गई, कोई कमी हो गई, तो ये तो इतने क्रोधी हैं कि उसी समय शाप देकर कुत्ता बिल्ली बना देंगे, इनसे बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। दुर्वासा ऋषि को भी छोड़ दिया। सबके अंदर कोई ना कोई कमी निकाल रही हैं लक्ष्मी जी। अब देखते ही देखते उस लाइन का एंड भी आ गया, छोर भी आ गया, और सबसे अंत में कौन खड़ा है? सबसे अंत में नारायण खड़े हुए हैं। हाँ? लक्ष्मी ने देखा कि ये हैं तो बड़े सुंदर, इनके अंदर गुण भी हैं बहुत, लेकिन गुणों के साथ साथ इनके अंदर भी कुछ अवगुण हैं, ये भी कम नहीं है। लेकिन अब क्या करूं, लाइन में इनके बाद कोई है भी नहीं। यदि इनके गले में माला नहीं डाली तो फिर जीवन भर कुवारे ही निकालना पड़ेगा, सबसे अंत में भगवान है। तो लक्ष्मी ने सोचा कि अब चाहे ये खरे हैं खोटे हैं कैसे भी हैं, चलो इनके गले में माला डाल देती हूं। तो लक्ष्मी जी भगवान के गले में माला डालने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जो लक्ष्मी जी आगे बढ़ी, भगवान तुरंत पीछे घूम गए, लक्ष्मी जी की ओर पीट कर दी भगवान ने। लक्ष्मी जी फिर घूमकर दूसरी ओर गई तो भगवान फिर घूम गए, फिर लक्ष्मी की ओर पीट कर दी। ऐसा क्यों किया? भगवान सब देवताओं को दैत्यों को बता रहे हैं कि देखो भैया, मैं तो बार बार मना कर रहा हूं कि मेरे गले में माला मत डाल, लेकिन फिर भी यदि जबरदस्ती लक्ष्मी ने मेरे गले में माला डाल दी तो मेरे से कोई झगड़ा मत करना। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि सब लक्ष्मी को चाहते थे, तो भगवान बता रहे हैं कि मैं लक्ष्मी को नहीं चाहता हूं, लक्ष्मी जबरदस्ती मेरे गले में माला डाल रही है। जब बहुत देर हो गई, देखा कि लक्ष्मी जी थक गई हैं, भगवान ने कृपा कर दी और लक्ष्मी जी के सामने प्रभु का मस्तक झुक गया है, लक्ष्मी ने भगवान के गले में माला धारण करा दी है।
बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से लक्ष्मी जी का वरण प्रभु ने किया बंधुओं। आगे फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पुनः जब मंथन हुआ तो वारुणी भी उस मंथन से निकली थी, अनेक रत्न उस मंथन से निकले थे और अंत में आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी भगवान उस मंथन से अमृत कलश लेकर साक्षात प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। जैसे ही अमृत कलश देखा अब तो दैत्य दौड़ पड़े, धन्वंतरी भगवान के हाथों से अमृत कलश को छीन लिया और आपस में झगड़ा करने लगे। अहम पूर्वम नत्वम नत्वम तमित प्रभुम, मैं पीऊंगा, किसी को अमृत पीने नहीं दूंगा, आपस में झगड़ा करने लगे। देवता घबरा गए कि अब तो दैत्यों के हाथ में अमृत कलश आ गया है, लगता है अब हमको अमृत नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान बोले, देवताओं चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो ना, मैं हूं ना। अभी भगवान तुरंत वहां पर आज सुंदर नव यौवना बनकर मोहिनी अवतार धारण करके प्रभु आ गए हैं। बोलो मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी बन के भगवान प्रकट हो गए और बड़ा अद्भुत भगवान का स्वरूप है, सुंदर स्त्री बन के प्रभु आ गए हैं। अपूर्व सौंदर्य टपक रहा है प्रभु के अंग से, सुंदर फूलों की गेंद को उछालते हुए भगवान अपनी चितवन से सबको घायल करते हुए वहां पर पधारे हैं। जब दैत्यों ने देखा भगवान को, पहचान नहीं पाए, समझने लगे कि शायद ये कोई बहुत सुंदर स्त्री है। मोहिनी भगवान दैत्यों के पास आए और बोले कि अरे दैत्यों, मैं दूर से देख रही थी, क्या आपस में कोई झगड़ा चल रहा है, क्या बात है? दैत्य बोले कि मोहिनी जी, आपका रूप बड़ा सुंदर है, आप बहुत अच्छी हो, हम आपको बताते हैं क्या बात है। ये देखो, हमारे हाथ में जो अमृत कलश आप देख रही हो ना, इस अमृत कलश के लिए झगड़ा हो रहा है और इस अमृत का बंटवारा नहीं हो पा रहा। देखो, आप आई हो तो ऐसा करो कि आप ही बंटवारा कर दो। इतना कामोद्दीपन दैत्यों के अंदर होने लगा, आसक्त हो रहे हैं मोहिनी भगवान के रूप पर। मोहिनी भगवान बोले कि दैत्यों देखो, तुम इतने बड़े पिता कश्यप की संतान हो, क्या मेरे जैसी स्त्री पर तुम विश्वास करोगे, कहां मैं एक पुंसली स्त्री। दैत्य बोले कि मोहिनी जी, हमारा पूरा विश्वास है आप में, आप ठीक से हमारे अमृत का बंटवारा करेंगी। ऐसा कहकर दैत्यों ने अमृत कलश ही भगवान के हाथ में दे दिया। अब देवताओं की जान में जान आ गई, अब हमारे प्रभु के हाथ में कलश आ गया, हमको अमृत जरूर मिलेगा, खुश हो गए देवता। मोहिनी भगवान बोले कि देखो दैत्यों, मैं आप सबको कहती हूं, आप सब एक लाइन में बैठ जाओ, मैं बारी बारी से सबको अमृत दूंगी। सब दैत्य एक लाइन में बैठ गए। मोहिनी भगवान ने कहा कि देखो, इन देवताओं को भी एक लाइन में बिठा दो, जो कुछ बचेगा पीछे देवता भी पी लेंगे। अब दैत्य तो आसक्त तो हो रहे हैं, कह दिया देवताओं को भी बिठा दो, बचेगा तो ये भी पी लेंगे। अब अमृत के बंटवारे की बात आई, मोहिनी भगवान दैत्यों को क्या कहते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें की। भगवान बोले कि देखो दैत्यों, मुझे एक आशंका है। बोले क्या? बोले मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अमृत कलश है ना, ये अमृत कलश सागर से निकला। बोले बिल्कुल ठीक। और इसके ऊपर कुछ ढका भी नहीं है। बोले बिल्कुल ठीक। तो मोहिनी भगवान बोले कि दैत्यों, मुझे ऐसा लगता है कि सागर से निकलने के कारण इस अमृत कलश में ऊपर ऊपर थोड़ा पानी भी भर गया है। नीचे तो अमृत है लेकिन ऊपर से थोड़ा पानी भी भर गया है, क्योंकि कुछ ढका नहीं था ना कलश में, तो जरूर पानी का अंश आ गया है। बोले मोहिनी जी, फिर क्या करें? तो कहा कि देखो दैत्यों, यदि तुम आज्ञा दो तो पहले मैं पानी पानी देवताओं को पिलाऊं। ऊपर ऊपर जो पानी है वो पहले देवताओं को पिला देती हूं और फिर नीचे का असली गाढ़ा अमृत में तुमको पिलाऊंगी। दैत्य बोले कि देखो मोहिनी जी का हमसे कितना प्यार है, पानी पिलाने जा रही हैं देवताओं को, हमको अमृत मिलेगा। जाओ मोहिनी जी, आप खूब देवताओं को पानी पिलाओ। अब तो मोहिनी भगवान कलश लेकर देवताओं की ओर आ गए हैं और अंजलि भर भर के देवताओं को अमृत पिलाने लगे प्रभु।
एक राहु नाम का दैत्य था। उस राहु ने मन में सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी के चक्कर में अमृत ही खत्म ना हो जाए, हमारा नंबर भी ना आए। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा पानी का भी स्वाद चख के देखूं पानी कैसा है। तो ये चुपके से आकर देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया कि मैं चुपचाप थोड़ा पानी भी पीऊंगा। अब भगवान अमृत डालते हुए आए और प्रभु ने लीला करने के लिए राहु की अंजलि में भी अमृत डाल दिया। तुरंत ये अमृत पी गया। सूर्य और चंद्रमा दोनों भगवान की ओर देखकर बोले कि प्रभु आपने क्या कर दिया, एक दैत्य को अमृत पिला दिया। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और चक्र ने राहु का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। लेकिन बंधुओं, अमृत कंठ से नीचे उतर चुका था तो राहु की मृत्यु नहीं हुई। पहले तो अकेला था राहु, लेकिन मरने के बाद दो रूप धारण कर लिए केतु। प्रेम से कहो श्री राधे। इसीलिए तो कहते हैं कि दुष्ट का जीना भी बुरा और दुष्ट का मरना भी बुरा। पहले तो अकेला था लेकिन मरने के बाद दो रूप धारण कर लिए, राहु और केतु। और सूर्य चंद्रमा दोनों से ये बड़ा ईर्ष्या करता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने भगवान को बता दिया था कि ये दैत्य है। तो आज तक ये राहु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेता है। जब सूर्य के निकट आता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है, जब चंद्रमा के निकट आता है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। लेकिन जब दैत्यों को ये बात मालूम चली कि ये मोहिनी तो नारायण थे, हमको आकर इन्होंने छल लिया, दैत्यों को क्रोध आया, अपने अपने अस्त्र शस्त्र निकाल कर ले आए हैं और भगवान से युद्ध शुरू कर दिया है। बंधुओं, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। देवता भी अमृत पी चुके थे, दैत्यों से युद्ध करने के लिए देवता भी सब आ गए हैं। 12 वर्षों तक युद्ध चला, जिसको कहते हैं देवासुर संग्राम। भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में इंद्र के द्वारा दैत्यों के राजा बलि का संहार हो गया, देवताओं की विजय हो गई, स्वर्ग की लक्ष्मी मिल गई। जब राजा बलि की मृत्यु हुई तो दैत्यों ने राजा बलि के उस मृत शरीर को उठाया और अपने गुरु शुक्राचार्य के पास ले गए। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो, ये जो शुक्राचार्य हैं ये दैत्यों के गुरु हैं। जैसे देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, ऐसे ही दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। लेकर अपने गुरु के पास गए। ये जो शुक्राचार्य जी थे बड़े विद्वान थे, इनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। उस विद्या के द्वारा ये मरे हुए को भी जीवित कर देते थे। इन्होंने अपनी विद्या से राजा बलि को फिर जीवित कर दिया और अब राजा बलि को भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा में लगाया है। उन ब्राह्मणों ने राजा बलि से विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया और जिस यज्ञ के प्रभाव से यज्ञ कुंड में से एक रथ प्रकट हुआ है, उस रथ में बैठकर राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और फिर देवताओं को भगा दिया स्वर्ग से।